हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हुंडई की इलाइट i20 है, 2015 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, आस्टा है। तो इसका एसी चालू रखा हूँ, देख रहे हैं आप, बट कूलिंग नहीं हो रही है। 32-30 तक आ रहा है, उसके बाद अब ड्रॉप हो ही नहीं रहा है कूलिंग टेम्परेचर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका जो सोलेनोइड वाल है ना कंप्रेसर में, ये वाली वाल फेल हो चुका है, इस वजह से कूलिंग हो नहीं रही है। तो इसमें मैं नया डालने वाला हूँ, देख रहे हैं आप, ये वाली वाल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो चलो बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे समझ में आता है कि कूलिंग नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है, कंप्रेसर का वाल ये कैसे मालूम पड़ता है कि फॉल्ट हो गया है। तो आपको पंपिंग के जरिए मैं आपको पता करता हूँ, बता देता हूँ कि आपको क्या चेक करना है। तो चलो बाहर चलते हैं और बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। हाई वाला और लो वाला लगा है, कंप्रेसर ऑन है, सॉकेट वॉकेट सब लगा हुआ है, गैस भी सब बराबर है। तो पंपिंग देख रहे हैं 100 के नीचे ही है, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। हाई वाला प्रेशर देख रहे हैं 100 के ऊपर जा रहा है और लो वाले में 100 के नीचे है, थोड़ा 80 तक है और इसमें 120 का है। ये प्रेशर आपका लगभग 25 से 25 के ऊपर आना चाहिए, 25 पे रहना चाहिए, तभी कूलिंग होगी। और ये वाला 100 से 150 के ऊपर ही रहना चाहिए, तभी जाके कूलिंग होती है। इस वजह से इसका रिप्लेस करने वाला हूँ। गाड़ी अभी चालू पोजीशन में है, तो चलो फिर ये वाल कंप्रेसर के नीचे रहता है, कंप्रेसर के नीचे साइड फिटिंग, तो चलो उसको रिप्लेस करता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सबसे पहले ये वाला जो सिस्टम में गैस है इसको रिकवर कर लेता हूँ मैं, उसके बाद ही वाल आपका रिप्लेस होगा। क्योंकि ये जो वाल चेंज करेंगे तो इसमें गैस से जुड़ा हुआ रहता है, कंप्रेसर के इसमें रहता है, तो गैस रहती है, तो गैस छोड़ेंगे तो डायरेक्ट गैस आपके मुंह पे आ जाएगा। इस वजह से सब गैस कभी रिकवरी कर लेता हूँ, गैस भी निकल रहा है। तो गैस रिकवरी करके फिर मैं आगे आपको वाल कहाँ बैठता है वो जाके दिखाता हूँ। तो चलो फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रही इसका कंट्रोल वाल, ये वाला इसका ऊपर का लॉक रहता है, वो लॉक खोल देता हूँ। अपना गैस रिकवर हो चुका है, अब हम इसको बिंदास खोल सकते हैं। तो ये रही इसका वाल खोल के, लॉक खोल के, फिर वाल निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये निकल चुका, अब हम इसमें नया वाला वाल डाल देंगे। जो पोजीशन में खोले थे वही पोजीशन में डाल देंगे इसको। तो इसको बैठा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली इसको बैठा दिया हूँ, जब ये बैठ जाएगा इसको दबाएंगे तो ये कट से आवाज आएगा, आवाज आने के बाद बैठ जाता है ये। उसके बाद ये सॉकेट लगा देने का इधर से, सॉकेट भी बैठ गया। तो चलो फिर अब बाहर निकलते हैं हम, इसका गैस वगैरह मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली कंट्रोल वाल बैठा दिया हूँ, इधर से देख तो नहीं रहा है, पर फाइनली कंट्रोल वाल बैठा करके मैं इसको अभी वैक्यूम में ले लेता हूँ। 10 मिनट के लिए वैक्यूम लेता हूँ, तो चलो फिर आपको मैं 10 मिनट बाद फिर दिखाता हूँ आगे। तो फाइनली अपना वैक्यूम कम्प्लीट हो गया, तो इसमें गैस फिल कर देता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ, लगभग 50 ml ऑयल डाल देता हूँ इसमें। तो गैस रिकवरी किया तो उसमें से ऑयल आया, तो चलो फिर इसमें गैस 450 ग्राम मार देता हूँ। तो चलो गैस फिल हो चुका, तो चलो अंदर गाड़ी चालू करके आता हूँ मैं, फिर आगे आपको सबसे पहले पंपिंग दिखाता हूँ, फिर आगे क्लीन कर। तो फाइनली मैं गाड़ी चालू कर चुका हूँ, गाड़ी चालू है, एसी ऑन रखा हूँ। तो चलो फिर बाहर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कूलिंग टेम्परेचर, पंपिंग वगैरह हो रही क्या नहीं हो रही है। तो हाई लो दोनों लगा हुआ है अपना, अब इसका पंपिंग देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं
25 पे है लो प्रेशर, और हाई प्रेशर 200 सेकंड यानी लगभग 170-180 के बीच है, यानी पंपिंग बराबर हो रहा है तो कूलिंग भी बराबर होगा। तो चलो अंदर चलता हूँ, क्लीन टेम्परेचर वगैरह फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू पोजीशन में मैंने दिखाया और आपको पंपिंग भी दिखाया। पंपिंग कितना मस्त हो रही है अभी, 25 सक्शन प्रेशर, 25 यानी लो प्रेशर 25 और हाई प्रेशर 180-170 के बीच जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी पंपिंग हाई प्रेशर लो प्रेशर सब मेंटेन हो रहा है। तो अब एसी चालू है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 4.2 पे आ चुका है, जो कि पहले कूलिंग टेम्परेचर 21-20 पे आ रहा था, 30 तक जा रहा था कूलिंग टेम्परेचर, यानी ऐसा समझो कि ये वाल्व जो है ना, ये कंट्रोल वाल्व है ना, काम कर ही नहीं रहा था, बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। दिखने में तो बिल्कुल नया दिख रहा है लेकिन इसका काम कर ही नहीं रहा था, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले इसका ये जो पार्ट से क्या काम करता है वो चीज़ जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका आपके गाड़ी के अंदर कूलिंग नहीं हो रही है, आप लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर में चेक करवाने के लिए, तो आपको डायरेक्ट क्या बोला जाएगा सबसे पहले कि आपको कंप्रेसर फेल हो गया, कंप्रेसर डालना पड़ेगा, राइट। ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा ही बहुत जगह देखा हूं मैं, ऐसा बोलते हैं। तो आपके पास अगर कार है तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अभी ये कस्टमर आया है मैं इसको बोल देता कि भाई आपका कंप्रेसर गया हुआ है, डालना पड़ेगा कंप्रेसर, तो 14-15 से ऊपर ही जाना पड़ेगा इसका कंप्रेसर, ओरिजिनल कंप्रेसर लेने जाओ तो 14-15 हज़ार का फटका लगवा देते उनको भी मैं इसमें, वो कस्टमर भी बोल देता हाँ भाई डाल दो, क्योंकि कूलिंग नहीं हो रही, उसको ज़रूरत है अभी तो डालना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ दोस्तों के, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर इसका मैं सबसे पहले पार्ट नंबर आपको दिखा देता हूँ, पार्ट नंबर देख लीजिए ये 9767422S000, और इसका प्राइस भी देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी प्राइस में भी इशू हो रहा है कि पार्ट है 100 रुपये का तो डायरेक्ट कस्टमर के पास 500 रुपये 600 रुपये यानी डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो इस वजह से आप ये सब चीज़ें देख लो, 2093 प्राइस है इसका रियल प्राइस, तो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा ले सकता है, बाकी अब इसका डबल टिबल तो कोई नहीं ले सकता ज़्यादा ना। तो आपको मैं दिखा दिया सब, खोल के सब सामने आपके सामने रख रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, जब चीज़ें आपको समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाने का रीज़न यही है मेरा कि आप लोगों को समझाना, जो चीज़ मैं सीख चुका हूँ वो चीज़ दूसरों तक पहुँचाना, बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल में अगर नए हो ना तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूले, और आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट करोगे तभी फिर मैं आगे नेक्स्ट जो है और चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। तो आप सपोर्ट करेंगे तभी होगा, ये पॉसिबल है, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं जहां हूं वहीं रह जाऊंगा फिर। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं अपन।